नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले हमने बायोलॉजी का एक टॉपिक डाला था ब्लड, और उसमें बताया था मैंने आपको कि जो ब्लड है उसका अध्ययन हेमेटोलॉजी कहते हैं हम, हेमेटोलॉजी, और इसका पीएच बताया था मैंने आपको 7.4। ठीक है, इसका पीएच होता है 7.4। और हमारे ब्लड में जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस जो ब्लड है, ये इस ब्लड को हमने टू टाइप्स में बांटा था, दो भागों में। इसमें एक तो सॉलिड पार्ट हमने देखा था, सॉलिड पार्ट, इसको हम ठोस वाला भाग कहते हैं ब्लड का। दूसरे नंबर पे हमने जाना था लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड पार्ट, और लिक्विड पार्ट को बोलते हैं तरल भाग। और यहाँ पे हमने जाना था प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। और ये जो प्लाज्मा है, ये 50% जो होता है हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। इसके बाद में जो 45% में होता है ये सॉलिड वाला पार्ट होता है। ये भी, इसके भी कितने प्रकार हैं, इसके भी तीन प्रकार हैं, एक तो RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसे बताया था हिंदी में बोलते हैं विम्बाणु, इसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। यदि हिंदी में बात करें तो श्वेत रक्त कणिका, और इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, RBC के बारे में। दोस्तों देखो, कितने टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है। जो ब्लड है उसको हमने टू टाइप्स में बांट दिया, सॉलिड और लिक्विड वाला पार्ट। जो ये, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, तो ब्लड बना हुआ है चार कंपोनेंट से मिलके। चार कौन कौन से हैं, WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ये चार कंपोनेंट्स हैं, चार मुख्य अवयव हैं जिनसे हमारा ब्लड बना हुआ है। अब इसमें हमने प्लाज्मा देख लिया 55% है, तो 45% में ये तीनों हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हम RBC के बारे में जानते हैं। देखो, RBC को बोल रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, देखो ये जो हमारे ब्लड में पाई जाती है 4.5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, इतनी इसकी क्वांटिटी होती है। और इसका जो कार्यकाल होता है, जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो होता है 90 से 120 दिन। कितने दिन, 90 से 120 दिन। अब ये जो 90 से 120 दिन RBC इनका कार्यकाल होता है, यदि ये इससे पहले ख़त्म हो जाए, मर जाए, डेथ हो जाए इसकी, है ना, तो उसको फिर उसमें आ जाती है ब्लड की कमी। क्या आ जाती है, ब्लड की कमी। और RBC की संख्या कम होने पर, यदि इससे कम होती है संख्या, तो हमारे ब्लड में एनीमिया रोग होता है, जिसको हम रक्त क्षीणता कहते हैं। रक्त क्षीणता या ब्लड की हमारे शरीर में क्या हो जाना, कमी हो जाना, एनीमिया रोग हो जाता है। और ये विटामिन की कमी से भी होता है, विटामिन B6 की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। कार्यकाल इसका 90 से 120 दिन होता है। और जो इनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद में ये जाती हैं किसके पास में, पलीहा के पास में, पलीहा या स्प्लेन, ठीक है। इसके बाद बात करें तो लीवर के पास, लीवर के पास, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पलीहा को, ठीक है, पलीहा या स्प्लिन को कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी RBC मृत होती हैं वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती है पलीहा में, इसलिए इसको रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों। अब यदि मैं इसमें क्वांटिटी की बात करूँ, तो देखो, RBC जो होती है मेल में 4.5 से 5.5 लाख मिलियन मैंने आपको बता दिया। यदि फीमेल की बात करेंगे तो 4 से 4.5 मिलियन तक होती है। और RBC में कोई केंद्रक नहीं होता, है ना, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC का एक अपवाद है, एक्सेप्शन केस है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, वो है ऊंट और लामा, इन दो की बॉडी में पाया जाता है, उनकी RBC में पाया जाता है केंद्रक, बाकी में नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है कि जो RBC है, RBC में केंद्रक नहीं है, लेकिन इसका अपवाद केस है ऊंट और लामा की बॉडी में पाया जाता है। इसमें रक्त का हमने देख लिया कि 90 से 120 दिन है, इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इसका कार्यकाल जरूर आप ध्यान रखेंगे, 90 से 120 दिन होता है।
90 से 120 दिन। और यदि इनकी साइज़ की बात करें, तो साइज़ में और क्वांटिटी में, मैं आपको बता देता हूँ, साइज़ में तो WBC, साइज़ में WBC, उसके बाद में आपका प्लेटलेट्स, और उसके बाद में RBC, ये आपका क्वांटिटी है, WBC, प्लेटलेट्स और RBC। और यदि क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी किसकी बड़ी है, फिर है RBC, प्लेटलेट्स और इसके बाद में WBC। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यदि आकार में पूछे और क्वांटिटी में पूछे, संख्याओं में पूछे, तो कौन सी बड़ी है, साइज में WBC, प्लेटलेट्स और RBC, और क्वांटिटी में RBC, प्लेटलेट्स और WBC। अब इसमें देखते हैं कि जो पलीहा है, जो हमारा ब्लड बनता है, ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में। और ये जो बोन मैरो है, बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं हम अस्थि मज्जा। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। इसमें बनता है ब्लड। अब अस्थि मज्जा भी किसे कहते हैं, तो दोस्तों अस्थि मज्जा उसे कहते हैं जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, टोटल हड्डियाँ हमारे शरीर में कितनी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। और 206 में ऐसा नहीं है कि बोन मैरो सभी में पाई जा रही है, बोन मैरो जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच का जो खोखला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। उसमें हमारा क्या बनता है, ब्लड बनता है। ठीक है, और RBC के कारण ही हमारे ब्लड का लाल रंग होता है, और इसके निर्माण में हीमोग्लोबिन मदद करता है, और हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा मदद करता है। और लोहा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें मिलता किससे है, तो वो मिलता है सेब से, नाशपाती से, या पालक वगैरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये RBC का हमारा टॉपिक है, ये कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।